तो कैसे दोस्तों, फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं सार्थक आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे फ़ोन्स के बारे में जो सितंबर में वैल्यू फॉर मनी है, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ टॉप 6 फ़ोन्स अंडर 15,000। जी हाँ, आज 15,000 के अंदर जो बेस्ट फ़ोन्स हैं उनके बारे में बताऊँगा। वैसे तो लगभग अभी तक सिर्फ 6 ही फ़ोन्स मैं देख पाया हूँ जो कि लगभग अच्छे हैं, क्योंकि अभी तो आपको पता ही है मार्केट में चिप शॉर्टेज के वजह से सारे फ़ोन्स और सारे या डिवाइसेस के अपने अपने प्राइसेस बढ़ रहे हैं। तो ऐसे कुछ फ़ोन्स हैं जो अभी तक प्राइसेस नहीं बढ़े हैं और वो 15,000 के अंदर अंदर में आपके बजट रेंज में आपको ये फ़ोन मिल जाएंगे और बहुत अच्छे फ़ोन्स हैं, बहुत बढ़िया स्पेसिफिकेशंस के साथ हैं, तो आपको बहुत पसंद आएंगे ये वाले फ़ोन्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं 6 ऐसे फ़ोन्स जो आपको 15,000 में वैल्यू फॉर मनी आपको दे देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की लिस्ट में सबसे पहला फोन जो है हम लोग जिसके बारे में बात करने वाले हैं जो कि 15,000 के अंदर आएगा, वो है टेक्नो पोवा 2। जी हाँ, मैं टेक्नो पोवा 2 का जो स्पेसिफिकेशन है और ये जो फ़ोन है आपको आराम से 11,000 में मिल जाएगा और इसका जो वेरियंट रहेगा वो 4GB 64GB का रहेगा। 11,000 में कोई बुरी डील नहीं है क्योंकि इसमें आपको मिल जाता है 6.9 इंच का डिस्प्ले। IPS फुल HD रहेगा मगर 6.9 इंच का डिस्प्ले रहेगा जो कि बहुत मैसिव है यार। इतना 11,000 में इतना बड़ा डिस्प्ले कोई भी फ़ोन नहीं दे रहा है। मैंने अब तक जितना भी फ़ोन देखा है इतना बड़ा मैसिव फ़ोन तो नहीं दे रहा है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे 7,000 का MAH का बैटरी मिल जाएगा। 7,000 MAH का बैटरी रहेगा इसमें, बहुत मैसिव बैटरी है। यह 18 वाट तक का बैटरी चार्जिंग सपोर्ट कर लेता है और अंदर ही बॉक्स में आपको 20 वाट का चार्जिंग चार्जर मिल जाएगा जो कि बहुत बढ़िया बात है। साथ ही साथ इसमें आपको हीलियो G85 का प्रोसेसर मिल जाएगा जो कि गेमिंग के लिए तो बहुत अच्छा ही है। डे टू डे लाइफ में आपको आराम से आपको सारे काम करने देगा और आपको कोई लैग का। तो यहाँ पे टेक्नो पोवा 2 आ जाता है हमारे 6 नंबर के लिस्ट में 6 नंबर पे। प्राइसेस बता दूं, प्राइसेस 10-11,000 पे मिल जाएगा और इसका वेरिएंट रहेगा 4GB 64GB। इससे हायर रेंज का मिल सकता है 14,000 के अंदर अंदर 15,000 के अंदर अंदर मिल जाएगा, वो भी आप चेकआउट कर सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख सकते हो। तो आगे बढ़ते हुए नंबर 5 पे आ जाते हैं जो अभी फ़िलहाल इसी महीने लॉन्च हुआ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं Redmi 10 Prime के बारे में। Redmi 10 Prime इसलिए 5 नंबर पे है क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत अच्छे अच्छे स्पेक्स मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको मिल जाएगा 6.5 इंच का LCD फुल डिस्प्ले और साथ ही साथ 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट भी मिल जाएगा। टेक्नो पोवा 2 से तो बेहतर ही है। और यहाँ पे 6000 mAh का बैटरी मिल रहा है और यहाँ पे आपको दो वेरिएंट, एक 464 का और एक 6128 का जो कि हायर रेंज पर रहेगा। ये आपको मिल जाएगा 12,000-13,000 के अंदर अंदर, मतलब जो कि 15,000 के अंदर रहेगा। तो आप आराम से ये फ़ोन खरीद सकते हो अगर आप 15,000 के बजट में देख रहे हो, तो ये फ़ोन बहुत ही बेस्ट है। साथ ही साथ ये इसका जो GPU रहे मतलब CPU रहेगा, ये इंडिया का शायद पहला CPU है जो दे रहा है आपको हीलियो G88 का प्रोसेसर दे रहा है। इंडिया का पहला फोन है ये, है ना, वंडरफुल बात। साथ ही साथ यहाँ पे आपको पीछे पॉलीकार्बोनेट का बैक मिल जाएगा जो कि बहुत ही क्लासिक लुक देगा और साथ में 50 मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप भी मिल जाएगा, 3/4 सेटअप मिल जाएगा, बहुत ही अच्छा रहेगा यह फोन। अगर फ्रंट वाइज देखें तो फ्रंट में आपको 8 मेगापिक्सल का कैमरा भी मिल जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे बैटरी की बात करें तो इंडिया के लिए इसने स्पेशली 6000 mAh का बैटरी बनाया था जो कि बहुत बढ़िया बात है। बाकी ये फ़ोन इस हमारे लिस्ट में 5 नंबर पे आता है। अगर ये आपको फ़ोन पसंद आया हो, इसके मैं दोनों लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहे तो वहाँ से चेक कर सकते हैं। की तरफ से Narzo 30। जी हाँ, Narzo 30 अभी थोड़ा सा इसका प्राइस रेंज बढ़ गया है। पहले कुछ
13 के आसपास आता था, अभी 13,500 हो गया है। और यहाँ पे ये इसलिए फ़ोन अच्छा है क्योंकि ये जो इसमें आपको मिल रहा है Helio G95 का प्रोसेसर, जो कि बताया जाए तो अभी तक इस प्राइस रेंज में ये वाला प्रोसेसर मिलना बहुत ही मुश्किल है, बहुत कम फ़ोन में मिल रहा है, जिसमें से नाजो 30 एक फ़ोन है जहाँ पे आपको ये प्रोसेसर मिल रहा है। साथ ही साथ आपको 6.5 इंच का डिस्प्ले रहेगा, IPS डिस्प्ले रहेगा फुल HD का, और यहाँ पे आपको 90Hz का रिफ्रेश रेट भी मिल रहा है, जो बताया जाए तो बहुत ही बढ़िया है इस प्राइस रेंज में। साथ ही साथ आपको 5000mAh का बैटरी मिल रहा है और 30W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात है 30W का ये जो चार्जर आएगा ये आपको बॉक्स के अंदर भी मिलेगा। और हाँ, यहाँ पे आपको 48MP का बैक कैमरा और 16MP का फ्रंट कैमरा भी मिल रहा है, वो भी मतलब सोने पे सुहागा, और यहाँ पे मिल रहा है। और ये सारे पैकेज जो रहेंगे 4GB का और 64GB का जो बेस वेरिएंट रहेगा ये आपको मिल जाएगा 13,599 रुपये में। बढ़िया डील है। तो चलिए अभी जो फ़ोन में बात करने वाला हूँ ये बहुत थोड़ा अंडररेटेड है, मगर अभी भी बहुत हाई डिमांड में है, क्योंकि ये वाला फ़ोन 14,500 में, मतलब 14,500 में आपको बहुत ही क्लासिक जो स्पेक्स हैं वो दिला रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मोटोरोला G40 फ्यूजन के बारे में। मोटोरोला G40 फ्यूजन में आपको इसका जो स्पेक्स रहेंगे इसमें आपको मिल जाएगा 6.78 का इंच IPS डिस्प्ले फुल HD का, और साथ ही साथ आपको 120Hz का रिफ्रेश रेट भी मिल रहा है। अभी तक हम लोगों ने जितना देखा वो वहाँ पे 90Hz तक मिल रहा था, मगर ये 14,500 में 120Hz का डिस्प्ले मतलब रिफ्रेश रेट मिल रहा है यहाँ पे। साथ ही साथ आपको 6000mAh की बैटरी मिलेगी, 20W का चार्जिंग सपोर्ट भी रहेगा, मतलब फास्ट चार्जिंग तो हो ही सकता है। और यहाँ पे आपको मिल जाएगा स्नैपड्रैगन, जी प्रोसेसर की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको मिलेगा स्नैपड्रैगन 732 का प्रोसेसर। 14,000 के रेंज में 732 का प्रोसेसर मिल रहा है, मतलब आपको यहाँ पे गेमिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप आराम से गेमिंग कर सकते हो, डे टू डे लाइफ में ये फ़ोन मक्खन चलेगा। और मुझे नहीं लगता 14,500 में स्नैपड्रैगन का इस ये वाला प्रोसेसर किसी और फ़ोन में मिल रहा होगा, मगर मोटोरोला की तरफ से मिल रहा है। बता रहा था कैमरे के बारे में, तो कैमरा भी बहुत अच्छे हैं इसके। यहाँ पे आपको मिल जाएगा बैक कैमरा 64MP प्राइमरी कैमरा का मिल जाएगा बैक में, और साथ ही साथ आपको 16MP का सेल्फी कैमरा भी मिल जाएगा। इसका जो बेस वेरिएंट रहेगा 64GB का, ये आपको मिल जाएगा 4,450 में, आराम से आप इसको खरीद सकते हो। लिंक मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, जाइए चेक कीजिए, पसंद आए तो ज़रूर खरीद लीजिएगा। तो आगे बढ़ते हुए कर रहे हैं सैमसंग M32 की। अगर आपको चाइनीज़ पसंद नहीं है, आप अगर चाइनीज़ मोबाइल की तरफ नहीं जाना चाहते हैं और आपको सैमसंग पसंद है, तो ये फ़ोन आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा अगर आप 15,000 के अंदर आप खरीदते हो। तो इसमें आपको स्पेक्स क्या मिल जाएंगे, इसमें बहुत सारे ऐसे स्पेक्स हैं जो आपको लगभग कोई भी फ़ोन नहीं देगा, बहुत ही यूनिक फीचर्स रहेंगे और लगभग कोई ज़्यादातर फ़ोन्स में मिलेगा नहीं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके डिस्प्ले के बारे में। डिस्प्ले में आपको 6.5 इंच का डिस्प्ले मिल जाएगा, जो कि सुपर एमोलेड का डिस्प्ले रहेगा, और 90Hz का रिफ्रेश रेट मिल जाएगा, है ना बढ़िया बात। साथ ही साथ आपको 6000mAh की बैटरी मिल जाएगी, सुपर चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलेगा इसमें, और साथ ही साथ आपको Helio G80 का प्रोसेसर मिल जाएगा। और क्या चाहिए, 15,000 में इससे अच्छा स्पेक्स कहीं मिल सकता है, तो सैमसंग ये आपको प्रोवाइड कर रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको बैक कैमरा में 64MP का कैमरा मिल जाएगा और फ्रंट में 20MP का। अभी तक हम लोगों ने देखा 16MP तक ये फ़ोन दिला रहा है आपको 20MP, और प्राइस रेंज भी बहुत बढ़िया है 14,999, मतलब 14,999 में आपको ये फ़ोन मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से जाके आप चेकआउट कर सकते हो, चाहिए तो वहाँ से खरीद सकते हो। अगर आप 15,000 में सैमसंग का फ़ोन देख रहे हो तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट है। नाजो 35G के बारे में, हाँ मुझे पता है आप लोगों को डाउट आ रहा होगा कि Realme 8 5G का क्यों नहीं आ रहा है। वो था पहले, मगर जैसे मैंने बता चुका स्टार्टिंग ऑफ वीडियो में कि प्राइस रेंज की वजह से या फिर चिपसेट्स के कमी के वजह से प्राइस थोड़े हाइक हो रहे हैं, तो Realme 8 5G अभी थोड़ा बढ़ के 15,500 मतलब 15,500 के आसपास आ चुका है, तो 15,000 के बजट में तो ये आएगा नहीं, इसीलिए नार्जो। ये भी लगभग दोनों फ़ोन
में ज़्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं, थोड़े थोड़े डिफरेंस है, इसलिए मुझे लगा ये फ़ोन बेस्ट रहेंगे अगर मैं इसको 15,000 के बजट में डाल दूँ। ये आपको 15,000 में मिल भी जाएगा। तो सबसे पहले अगर स्पेक्स की बात कर लें, यहाँ पे आपको 6.5 इंच का IPS डिस्प्ले मिल जाएगा 90 हर्ट्ज रिफ्रेश के साथ, और साथ ही साथ आपको 15,000 का बैटरी MAH बैटरी मिल जाएगा और 18 वाट का चार्जर भी मिल जाएगा। इसको इसमें बॉक्स में ही आपको मिल जाएगा। अगर बात करें इसके प्रोसेसर की, तो प्रोसेसर में आपको Dimensity का 700 का प्रोसेसर मिल रहा है, जो कि आपको गेमिंग और डे टू डे लाइफ में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाएगी, ना ही लैग होगा ना ही कोई प्रॉब्लम आएगी। तो 15,000 के अंदर ये फ़ोन आपके लिए सही रहेगा। अब तक जितना फ़ोन देखा है ये सबसे बेस्ट है। अगर बात कर ले इसके कैमरा के बारे में, तो बताया जाए तो कैमरा की अगर बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको 48 मेगापिक्सल का बैक कैमरा मिल जाएगा, साथ ही साथ आपको 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा भी मिल रहा है। और क्या बताऊँ, इसका जो बेस्ट वेरिएंट रहेगा 4GB 64GB का, ये आपको मिल जाएगा 14,999, मतलब लगभग 15,000 में। तो 15,000 में ये सारे स्पेक्स मिलना बहुत ही बढ़िया बात है। डायमेंसिटी 700 मिल रहा है, तो वो भी आपको सोने पे सुहागा रहेगा। साथ में 5G भी मिल रहा है, तो ये फ़ोन भी आप चेकआउट कीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैं अपना लिंक दे दूंगा, आप चाहिए वहाँ से चेकआउट कीजिए। ये सारे फ़ोन्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, उनके लिंक्स मिल जाएंगे, आप जाइए के चेकआउट कर सकते हैं और जो पसंद आए वो खरीद सकते हैं। तो ये थे आज के टॉप 6 बेस्ट फ़ोन अंडर 15,000। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, और हो सके तो थोड़ा सा प्यारा सा कमेंट भी छोड़ दीजिए। अगर आपको ये और जानकारी चाहिए इन फ़ोन्स के बारे में, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर मुझे DM करके आप मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो पर। तब तक के लिए बाय।